आज बेटा क्लास 10th चैप्टर नंबर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें से ए बी सी ये तीनों बेटा क्या होंगे, रियल नंबर, रियल नंबर्स। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल से है, एक्स। एक्स यहाँ पर क्या बेटा, अपना वेरिएबल। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। और ए बी सी रियल नंबर में यहाँ पर कुछ भी गिवन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो। तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए बी सी यहाँ पर रियल नंबर है और किस किस वेरिएबल में है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, एक्स। फॉर एग्जांपल ये भी आ सकता है, फाइव वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। ये भी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर वेरिएबल अपना क्या हो गया अब, वाई। ओके, तो हाईएस्ट पावर, जैसे मैंने बोला हाईएस्ट पावर इसकी क्या होनी चाहिए, टू। इसकी दो होर फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, इसी को बेटा एग्जाम में कंफ्यूज करके हमसे ये भी पूछा जा सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये भी अपनी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी हो गया, टू। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी ऐसा भी हमसे पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन भी बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी कईयों के दिमाग में माइंड में आ रहा होगा कि ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ये भी अपनी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एग्ज़ाम में ये चार फॉर्म में से कोई भी हमसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इसके बारे में बताओ आप, ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान होनी चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो मैंने एक सम कोई एक इक्वेशन कोई चार फॉर्म में लिख दिया। फर्स्ट में मैंने तीनों जो टर्म्स हैं वो काउंट किया, सेकंड वाले में मैंने कांस्टेंट टर्म को हटा दिया, थर्ड वाली में मैंने जो पावर वन वाली है उसको हटा दिया बेटा, और थर्ड में ये दोनों टर्म्स को मैंने स्किप कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो इन तीनों चारों कंडीशन में इन सभी चार कंडीशंस को ही क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास मेन तीन मेथड है, जैसे मैंने लिखा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड मेथड है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आप श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, इस नेम से भी ये कई बार लिखा आ जाता है, पेपर में नहीं आता, बुक्स में कईयों मेंशन किया होता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो कई सालों से सीबीएसई ने कटवाया हुआ है, कैंसिल किया हुआ अपने सिलेबस में, तो पर इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक दो सम मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। दूसरा अपना फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दोनों हम इन दोनों को यूज़ करके सम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको आप लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट। पहले डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करके एक्स के जो रूट फाइंड कर लेते हैं, वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट सम जो हम करेंगे बाई फैक्टराइजेशन मैथड करेंगे, अभी जो मैं फर्स्ट सम करवाऊंगा वो आएगा बाई फैक्टराइजेशन मैथड। मैंने स्टेटमेंट लिया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, द वैल्यू ऑफ एक्स लिखा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने के लिए कौन सा मेथड हम कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मैथड। इसको करने के लिए बेटा
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे, पहले क्या होना चाहिए, फर्स्ट पे होना चाहिए एक्स स्केयर पावर एक्स स्केयर, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म। कई बार पेपर में एग्जामिनर थोड़ा उल्टा दे देता है इसको, लाइक एक्स स्केयर प्लस 16 आगे लिख देगा, माइनस 10x, ऐसे कन्फ्यूज करने के लिए हमें लिख देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा मिक्स होके आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले एक्स पावर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। अपने एनसीईआरटी में एक सम भी है, उन्होंने ये कांस्टेंट टर्म सेंटर में लिखी हुई है और एक्स वाली टर्म पीछे लिखी हुई है, और बच्चे वहीं से शुरू कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें इस पॉइंट को, उसको हम पहले किस स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन लिखेंगे, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर मिक्स होके आ गया, इधर उधर होके आ गया, तो पहले उसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। ओके, तो इस सम को करने का मेथड क्या है, फर्स्ट और लास्ट कांस्टेंट टर्म को कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख लो यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है 16 इक्वल टू क्या आ गया 16। इन दोनों की मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई, जहाँ आप अपने दिमाग में हम लोग रख सकते हैं ए और सी की मल्टीप्लाई, ए इंटू सी, और सेंटर वाला नंबर क्या है 10। इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन बनाना है, क्या बनाना है, ऐसे दो नंबर हमने डिसाइड करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और उनका प्लस या माइनस करने पर 10 आए। तो इस सम को करने के लिए आप जो हमने मल्टीप्लाई करके नंबर फाइंड किया उसके आप फैक्टर बना लो, 28, 24, 22 24, 21 2। तो जो भी आपने ये फैक्टर बना लिए, अब उनको हमने थोड़ा एडजस्ट करके लिखना, कैसे, अब किन इनको दो पार्ट में डिवाइड करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 22 4, 4 2 8, एक तो एक नंबर मेरे पास आ गया 8 और एक नंबर मेरे पास क्या आ गया 2, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो इन दोनों का हम प्लस करेंगे, प्लस करने पे 8 प्लस 2 क्या आ गया 10, तो वही कंडीशन थी मेरी, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 10, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2, ये अपना क्या आ गया 16, तो ये हमारा क्या आ गया 16। तो ऐसे आप फैक्टर्स बना के उनका 1 बाय 1। अब देखो अगर बच्चे बोलें सर मैंने 2 और 2, 2 और 2, 2 और 2, 4, 2 और 2, 4, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वो 16 आएगा, पर इन दोनों का प्लस करेंगे 4 प्लस 4, तो वो 8 आएगा ना, पर अपना प्लस करने पे क्या आना चाहिए 10। तो ऐसे हम थोड़ा प्रैक्टिस से अपने को पता लग जाएगा अभी कि कौन कौन से नंबर आप किस टाइप से लेंगे। तो अब आपको पता लग गया, मैंने दोनों नंबर लिख लिए 2 और 8। देखो प्लस करने पे मैंने बोला था अपने पास प्लस करने पे अपना माइनस 10 आना चाहिए बेटा, तो अगर मैं इन दोनों के साथ माइनस लगा देता हूँ, -8 प्लस -2, फिर अपने पास -10 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करने पे अपने पास क्या आएगा आंसर, -8 2 16। तो दोनों अपनी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेंगी। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को सेम लिखना, फर्स्ट और लास्ट टर्म को सेम लिखा, और जो ये माइनस 10 है इसको हमने इन दोनों कंडीशन को इसमें चेंज करके लिख देना, -8 जो भी दो नंबर हमने डिसाइड किए उनके साथ एक्स लगा लो, और यहाँ इस 10 को कैंसिल करके इन दो नए नंबर को बीच में लिख दो, प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, 10 को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया -8 -2x। ओके, तो आफ्टर दैट फर्स्ट 2 में देखो कॉमन क्या आ गया एक्स, यहाँ पर क्या बच गया मेरा एक्स, माइनस एक्स कॉमन चला गया 8, इधर दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, एक मैं माइनस भी कॉमन लूंगा यहाँ पर -2x, और यहाँ पर प्लस था, माइनस कॉमन लेने के कारण यहाँ पर क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया 8। देखो जब भी आप माइनस लेते हो, जब माइनस भी कॉमन लोगे ना तो अंदर ले साइन चेंज होंगे, माइनस का हमारे पास क्या बचना था -x, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस, और यहाँ पर अपना प्लस था हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस किस में कन्वर्ट हो गया माइनस। अगर ना पता चले तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, मल्टीप्लाई करने पे -2x अपना सेम आएगा, -2 8 16। अब मेरा सम सही है या गलत है मुझे कैसे पता चलेगा, ये दोनों फैक्टर सेम बनने चाहिए, सेम फैक्टर बन गए तो इन दोनों को लेंगे हम कॉमन, x माइनस 8 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा x -2 = 0, इन दोनों को जो आउटसाइड है ब्रैकेट से उनको इकट्ठा एक ब्रैकेट में करेंगे, आइदर और करेंगे x-8 = 0 और x-2 = 0।
तो x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इसको ट्रांसपोज कर लो, जीरो प्लस एट एक्स इक्वल टू एट, एक्स इक्वल टू जीरो ट्रांसपोज होगा बेटा प्लस टू, एक्स इक्वल टू टू। तो अपने पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक x 8 आ गया और दूसरा x 2 आ गया। इसी सम को बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। मैंने सेम स्टेटमेंट ही लिया, आप दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा, जो आपको आसान लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। अगर पेपर में मेंशन है स्पेशल मेथड का नेम, फिर उसी मेथड से करोगे। अगर मेंशन नहीं है, फिर आप कोई भी कर सकते हैं हम लोग, आपको जो आसान लगे वो कर सकते हो। दूसरा मेथड मैंने लिखवाया था, थर्ड नंबर पे मैंने लिखवाया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या था, फर्स्ट आप कंपेयर करोगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू आप लिख लोगे, ए को कंपेयर करें एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए, सॉरी वन, बी एक्स का कोफिशेंट को आप क्या बोलते हैं बी माइनस टेन, और सी, सी क्या है अपनी कॉन्स्टेंट टर्म 16। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, देन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट लिखने के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था, शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्रिमिनेंट को अपन डी लिखेंगे हम लोग, डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी वैल्यू ऑफ बी माइनस टेन, माइनस टेन स्क्वायर माइनस फोर ए, वैल्यू ऑफ ए इज वन एंड सी इज 16। कैलकुलेट करें, माइनस टेन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टेन पावर टू वन डबल जीरो माइनस सिक्सटीन फोर जन 64 36। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस डी बाय टू ए। यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं हम लोग, या पूरा लिख लो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू क्या बेटा अपनी माइनस टेन, यहाँ से चेक कर लो माइनस टेन, ये फॉर्मूले का माइनस है और अपनी बी की वैल्यू भी अपनी क्या है माइनस टेन, प्लस माइनस बी स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट हमने अभी फाइंड किया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू 36 बाई टू ए, वैल्यू ऑफ ए इज 1। कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस रूट 36 को सॉल्व करेंगे, आंसर 6। फैक्टराइज करके आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 1 2। अब देखो मेरे पास एक प्लस में और एक माइनस में, हम इकट्ठा ही सॉल्व कर लेते हैं जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, होएंगे भी सर यहाँ पर प्लस माइनस आपने दो लिखे हैं, तो ये हम लोग दोनों इकट्ठे एक प्लस वाला और एक माइनस वाला रूट लगा हुआ है ना, तो रूट की अपने पास दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसलिए हम इकट्ठा ही लिख लेते हैं बेटा इसको, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। एंड पे जैसे ही हमने रूट सॉल्व कर दिया तो एंड पे हम लोग इसको अलग अलग लिख देंगे, 10 प्लस 6 और 10 माइनस 6 बाई टू, 10 प्लस 6 16 बाई टू एंड 10 माइनस 6 4 बाई टू। कैलकुलेट, कैंसिल कर लो, 8 2 16, 8 एंड 4 को कैंसिल कर दो 2 से, तो आंसर आ गया 2। आप कंपेयर कर सकते हो, जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगाया था उस टाइम भी अपना आंसर क्या आया था 8 एंड 2, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने पे भी अपना आंसर आया 8 एंड 2। तो आपको मैंने एक सम ही दोनों मेथड से करवा दिया। अगर पेपर में मेंशन है स्पेशल नेम तो आप उस मेथड से करोगे, अदरवाइज किसी भी इन दोनों में से कोई भी आप चूज करके सम सॉल्व कर सकते हो। ओके नेक्स्ट है बेटा नेचर ऑफ रूट्स। इसी जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो अभी तक हमने कर लिया वो फर्स्ट जो हमने टॉपिक किया वो टाइप हमने बताना, वे गिवन जो स्टेटमेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस नो में आंसर पूछेंगे, कुछ भी आ सकता है इसमें, तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो हमने किया था। सेकंड हमने बेटा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना, उसके हमने दो मेथड किए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड जहाँ उसको आप स्प्लिटिंग मेथड भी बोल सकते हैं, और दूसरा हमने किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जो आपकी 4.4 एक्सरसाइज है
उसमें हमसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं नेचर ऑफ रूट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस इक्वेशन के किस टाइप के रूट्स या उसके किस टाइप के आंसर या वैल्यू ऑफ एक्स किस टाइप की आ सकती है हमारे पास, तो डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। ओनली नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए नहीं बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उसकी नेचर पूछेगा, नेचर किस टाइप की है। तो उसको करने के लिए अपने पास ये तीन कंडीशंस हैं, लाइक जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसी के बिहाफ पे हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं। कैसे, इफ डी, डी मैंने अभी आपको बताया था डी कैसे फाइंड करना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जब भी आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा भी फाइंड नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट के लिए जस्ट हम फाइंड करेंगे डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, फुल फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट है, तो जस्ट हमने यही करना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर डी फाइंड करने पे डी ग्रेटर देन जीरो आ जाए, डी की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 मतलब जीरो से बड़ी आ जाए, तो उस इक्वेशन के रूट फाइंड करेंगे तो वो किस टाइप के होंगे, रियल एंड अनइक्वल। जैसे हमने प्रीवियस सम, इसी वीडियो का अभी हमने सम किया था, तो उसका डी अपने पास क्या आया था 36। वीडियो को दोबारा देखें और डी चेक करें, 36 आया था। इट मीन्स वो डी क्या जीरो से बड़ा आ गया 36, और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की है तो अपना आंसर क्या आया 8 and 2। इसका मीनिंग है जो आंसर आए हैं वो दोनों डिफरेंट हैं और रियल हैं, इसलिए मैंने लिखा रियल एंड अनइक्वल। डिफरेंट रियल भी है और डिफरेंट भी है, अनइक्वल भी है, दोनों इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। ये तीन नेम यूज हो सकते हैं, अनइक्वल, डिफरेंट और डिस्टिंक्ट, ठीक है। इन पेपर में इन तीनों में से कोई भी नेम एक आ सकता है आपको, तीनों का मीनिंग सेम है। अगर D आपका इक्वल जीरो आए, जहाँ पर अपना 36 आंसर आया था वहाँ पर जीरो आया था D, फिर जो रूट्स आने थे अपने वो आने थे रियल एंड इक्वल, रियल आने थे और दोनों वैल्यू सेम ही आने थे बेटा। अगर D लेस देन जीरो है, अगर D लेस देन जीरो है, इफ D लेस देन जीरो, तो नो रियल रूट्स, जो आंसर है वो रियल नहीं आएगा। रियल नहीं आएगा तो वो किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी में आएगा। वो हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर टेंथ जो बच्चा मैथ्स की स्टडी करेगा, मैथ्स अडॉप्ट करेगा, लेगा, नॉन मेडिकल वगैरह करेंगे, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसलिए ओनली टेंथ तक अपने पास क्या है, रियल नंबर पर हम जो कैलकुलेशन या अपनी जो स्टडी कर रहे हैं। तो इफ डी लेस देन जीरो तो नो रियल रूट्स। तो ये तीन टाइप के अपने पास रूट्स आएंगे, इनको भी हमने अच्छे से स्टडी करके जाना। तो इन इस जो फॉर्मूले पे, इसके बिहाफ पे एक आध सम हमें देखने को जरूर मिलेगा फाइनल पेपर में बेटा, ओके। तो मैंने तीन डिफरेंट सम लिखे हैं, तो इन तीनों का हम चेक करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब मैं थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट करूँगा बेटा, बी, बी की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 12 स्क्वायर माइनस 4 ए, ए इज़ 4 एंड सी इज 9। कैलकुलेट करेंगे 12 12 144, 12 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, स्क्वायर है, माइनस 4 4 16 16 9 144। डी की वैल्यू इज़ 0। अगर डी 0 है तो याद करो थोड़ा क्या मैंने लिखवाया था, इफ़ डी जीरो देन रूट्स आर क्या होंगे, रूट्स रियल, रियल एंड इक्वल। तो आपका आंसर आएगा एमसीक्यू टाइप में होगा, तो आपका आंसर आएगा रियल एंड इक्वल, रियल होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल। व्हाई, बिकॉज डी क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया। यहाँ पर चेक करो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू चेक करो 5 स्क्वायर माइनस 4 ए इज 3 एंड सी माइनस 7। 5 5 25 प्लस माइनस माइनस प्लस, सीधा पहले प्लस करो, 4 3 12 12 7 84। प्लस करने पे 109, तो डी अपना क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 था तो क्या कंडीशन थी, रियल एंड, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट, अनइक्वल या डिस्टेंट। डी
इक्वल टू बी स्केयर माइनस फोर ए सी, बी माइनस फोर माइनस फोर स्केयर माइनस फोर ए सेवन एंड सी फाइव। माइनस माइनस प्लस होगा, जो पावर टू है ना उसको दो बार लिख के मल्टीप्लाई कर लिया करो। कई बच्चे यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करते ही नहीं, वो लिख देंगे माइनस सिक्सटीन। तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, फोर फोर दान सिक्सटीन, तो यहाँ पर आएगा सिक्सटीन। माइनस को भी दो बार मल्टीप्लाई करो, माइनस ये आ गया थर्टी फाइव, थर्टी फाइव वन फोर्टी, वन फोर्टी माइनस करेंगे फोर टू वन माइनस, माइनस वन टू फोर डी नेगेटिव, डी नेगेटिव है तो नो रियल रियल रूट्स। ओके, तो ये हमारा टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स पे आ गया, तो जरूर इसमें ए का सम जरूर बनेगा बेटा, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से करके जाएं, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, आज हमने चैप्टर नंबर फोर्थ को जो बेसिक कंसेप्ट थे इस वीडियो में हमने वो कर लिए, लाइक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे उसके दो मेथड कर लिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं जो उनकी नेचर है वो हमने कैसे फाइंड करनी है, कैसे बताना, तीन टाइप है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिफरेंट, नो रियल रूट्स। तो ऑलमोस्ट इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फोर्थ को कंप्लीट कर दिया, जो उसके बेसिक कंसेप्ट थे। तो इसको आप एक दो बार देखें और अलग से बुक से कुछ सम लेकर ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।